दुनिया के हर देश में खान पान की अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन एक देश ऐसा है जहां जिंदा जानवर को खाया जाता है। चीन के लोग जिंदा जानवर खाने के शौकीन हैं। यहां हम कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें डिश के तौर पर जिंदा ही परोसा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नंबर 10, चाइना एक ऐसा देश है जहां पर लोगों को स्नैक्स में भुनी हुई चींटियां खाना बहुत पसंद है। नंबर 9, दुनिया में करीब 2 अरब सूअर हैं, इनमें से आधों का कत्ल हर साल मीट के लिए कर दिया जाता है। सूअर दुनिया के चौथे सबसे समझदार जानवर होते हैं। सूअर एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकते हैं। सूअर का मांस चाइनीज लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। नंबर 8, बतख का जिंदा भ्रूण। बतख के भ्रूण से बनी डिश चीन के नानजियांग में बहुत पॉपुलर है। इसे जिंदा ही उबाला जाता है। आमतौर पर उबाला हुआ बतख का भ्रूण ही होता है। इसे चीन में बहुत ही चाव से खाया जाता है। यह डिश फिलीपींस में भी खाई जाती है और वहाँ इसे बालूत के नाम से जाना जाता है। नंबर 7, चूहे के बच्चे। चूहों के नवजात बच्चे चीन में सबसे ज़्यादा बिकने वाली डिश। कस्टमर को यह चापस्टिक और स्पाइसी सॉस के साथ सर्व की जाती है। इस डिश को 3 स्क्विक्स बेबीज कहा जाता है। इसे खाने का तरीका भी अजीब है। पहली बार में इस चॉपस्टिक में से एक झटके में खा लिया जाता है और इसके बाद सॉस के साथ खाया जाता है। यह डिश भी अब चाइना में बैन है, लेकिन फिर भी कई जगह इसे देखा जा सकता है। नंबर 6, बंदर का कच्चा ब्रेन। चीन में जिंदा बंदर की ब्रेन स्पेशल और महंगी डिश में से एक है। इसका टेस्ट लेना सिर्फ रईस लोगों के ही बस की बात है। कई लोग तो इस डिश का ऑर्डर अपनी शान शौकत दिखाने के लिए करते हैं। इसका ख़राब टेस्ट के चलते इसकी सिंगल बाइट चबाना भी हर किसी की बस की बात नहीं। हालांकि चीन में यह डिश अब बैन हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई जगह मिल जाता है। नंबर 5, जिंदा ताज़ा गधा। चीन में जिंदा और फ्रेश गधे हुए जियाओ लू डिश के नाम से जाना जाता है। इसके लिए गधे के हाथ पैर बांधकर जिंदा इसकी बॉडी पार्ट काट दिया जाता है। इसके बाद तुरंत इसका कच्चा मीट कस्टमर को परोसा जाता है। हालांकि चीन के हेनान और हुबई में सरकार ने इसे बैन कर दिया है। नंबर 4, सांप। जिंदा सांप से बनी डिशेज चाइनीज सेब की खासियत है। इस डिश को बड़ी तेज़ी से बनाया जाता है ताकि इसे जिंदा खाया जा सके। सांप का सिर अलग कर सांप की स्किन और आंतें निकालनी होती है। इसके बाद सांप का ताज़ा और कच्चा मीट ही परोसा जाता है। नंबर 3, मृत और जिंदा फिश। चीन में दूसरा पॉपुलर जिंदा खाया जाने वाला जानवर मृत या जिंदा फिश है। इससे बनने वाली इस डिश को यिंग यांग यू के नाम से जाना जाता है। इसमें फिश को ऐसे डीप फ्राई किया जाता है जिसमें उसका सिर तेल में न डूबे। ऐसे में ये फिश फ्रेश और जिंदा रहती है। इसे इतनी जल्दी बनाया जाता है कि मछली के अंदरूनी अंगों को नुकसान न पहुंचे और वो 30 मिनट तक जिंदा रहे। यह डिश मीठा या खट्टे सॉस के साथ परोसा जाता है। नंबर 2, जिंदा झींगा। चीन की पॉपुलर डिश जुई सिया क्यूडेक्रीन झींगा के नाम से जाना जाता है। ये चीन के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट के भी कुछ चाइनीज रेस्टोरेंट में मिल जाएगी। इसमें झींगे को शराब में डुबो कर रखा जाता है। बार बार बाहर निकालने के लिए उछल कूद करता रहता है और ग्राहक उन्हें पकड़ते रहते हैं। इसके बाद उसे खाना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसमें झींगा तब मरता है जब उसे चबाया जाता है। इस स्वादिष्ट व्यंजन को चीन के अलग अलग हिस्सों में उपयोग किया जाता है। यह डिश काफ़ी महंगा है क्योंकि यह जिंदा सर्व किया जाता है। हालांकि इस डिश को चीन में प्रतिबंध कर दिया था, लेकिन अभी भी यह आसानी से मिल जाती है। नंबर 1, ओयस्टर घोंगा। ऐसे जानवरों में से एक है जिसे चीन के साथ साथ पश्चिमी देशों में भी कच्चा या जिंदा ही परोसा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मरने के बाद बहुत तेज़ी से खराब होने लगता है। घोंगा को सेल से निकलते ही खराब होने लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।